अस्सलाम वालेकुम, फाइव क्लास हेरिस योर बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। सो लेट्स ओपन योर बुक्स। यूनिट नंबर वन, द वर्ल्ड इन अ वॉल, द वर्ल्ड इन अ वॉल। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट वी आवर रीडिंग दिस यूनिट। स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन। यस, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कल कि जो जेरल्ट है उसका फेवरेट पेट कौन सा था, फेवरेट इंसेक्ट कौन सा था जो हमने पढ़ा है यहाँ इस यूनिट में। सो आई हैव गॉट आंसर फ्रॉम समवन। मैंने मुझे आंसर दिया है किसी ने, बट स्टूडेंट्स प्लीज़ आप जब आंसर करें किसी भी क्वेश्चन का, आप अपना नेम ज़रूर मेंशन किया करें कौन है, ताकि मैं आपका नेम जो है वो अपनी वीडियो में अनाउंस कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सॉरी, आंसर था उस क्वेश्चन का, उसका फेवरेट जो पेट था, सॉरी जो इंसेक्ट था, दैट वॉज स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो। So let's start our reading. Today we are going to start our reading from page number 4 from there. Okay? Yes, last हमने कल क्या पढ़ा, जो हमने लास्टली देखा था उसमें क्या था कि जेरल्ट का जो ब्रदर है लैरी, उसने वो मैच बॉक्स उठाई थी जिसमें वो थे फीमेल स्कॉर्पियो और उसके बेबीज थे। अब वो आज हम देखेंगे कि फिर क्या हुआ। ओके लेट्स स्टार्ट। नाउ आई इंसिस्ट टू दिस डे दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मेंट नो हार्म। जी, अब वो क्या कहता है जेरल्ट, वो कहते हैं मैं आज भी जो है ये कहता हूँ कि जो उस फीमेल स्कॉर्पियन थी, मादा बिच्छू, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। ठीक है, She was nervous and a little annoyed at being shut up in a matchbox for so long, and so she seized the first opportunity to escape. अब वो क्या कहते हैं, अब वो उसकी साइड ले रहे हैं, फीमेल जो स्कॉर्पियन है क्यों साइड ले रहे हैं, बिकॉज स्कॉर्पियो इज हिज फेवरेट इंसेक्ट। अच्छा, अब वो कहते हैं कि वो सिर्फ नर्वस थी, ठीक है, परेशान थी। क्यों परेशान थी, क्योंकि वो काफ़ी देर से, आपको पता है, काफ़ी देर से डिबिया, माचिस की डिबिया में बंद थी, इस वजह से वो गुस्से में आ गई। और उसने फिर जैसे ही वो उसके भाई ने माचिस की डिबिया खोली, तो क्या हुआ, स्कॉर्पियन, फीमेल स्कॉर्पियन ने भागना, मतलब फ़रार होने की कोशिश कर ली। एस्केप का मतलब होता है फ़रार, अपॉर्चुनिटी, मौका, यानी उसको भागने का एक भी जो मौका मिला था उसने उसको रोक लिया। सीज मीन रोक लेना। ओके, देन नेक्स्ट लाइन इज शी पुल्ड हरसेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स विथ great rapidity, her babies clinging on desperately and scuttled onto the back of Larry's hand. अच्छा जी, अब क्या हुआ, जैसे ही उसने मैच बॉक्स खोला तो जो स्कॉर्पियन, फीमेल स्कॉर्पियन थी, मादा बिच्छू थी, उसने क्या किया, वो तेज़ी से उस मैच बॉक्स से निकल आई, फिर साथ में उसके जो बच्चे थे, क्लिंगिंग मीन चिपकना, ठीक है, बच्चे जो हैं वो उसकी कमर के साथ चिपके हुए थे, चिमटे हुए थे। और फिर वो जो स्कॉर्पियन थी वो तेज़ी से किधर गई, लैरी के उल्टे हाथ पर चढ़ गई। हो, अब क्या हुआ होगा स्टूडेंट्स, दे आर नॉट क्वाइट सर्टन व्हाट टू डू नेक्स्ट, शी पॉज्ड, हर स्टिंग कर्व्ड अप एट द रेडी। जी, अब क्या हो गया जी, वो लैरी के हाथ पर चली गई, उसके जो उसका जो डंग था, स्टिंग मीन्स डंग, ठीक है, अब जब वो उसके हाथ पर चली गई, अब वो जो स्कॉर्पियन थी वो भी कंफ्यूज हो गई कि वो किधर जाए। उसने क्या किया, वो वहाँ पर रुक गई, ठीक है, पॉज मीन रुक जाना, उसका जो स्टिंग डंग था वो बिल्कुल ही
तैयार था, यानी शी वॉज रेडी टू स्टिंग, वो काटने के लिए तैयार थी. लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉज ग्लैंस्ड डाउन टू सी वॉट इट वॉज एंड फ्रॉम दैट मोमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज. अब क्या हुआ, जब उसके हाथ पर चढ़ के जब उसने मूव किया तो लैरी ने जब उसके पाँव को मूव करते हुए देखा तो फिर उसने लैरी जो था उसने गौर से देखा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है. और फिर उसके बाद जो थे बस हालात जो हैं बिगड़ गए थे, ठीक है. यानी अब अफरा तफरी स्टार्ट हो गई है. He uttered a roar of fright that brought Roger out from beneath the table, barking wildly. With a flick of his hand, he sent the unfortunate scorpion flying down the table, and she landed midway between Margot and Leslie, scattering babies like confetti as she thumped on the cloth. जी अब क्या हुआ, roar means चीख, ठीक है. uttered चीख निकालना, ठीक है, बोलना. flick यानी किसी चीज़ से किसी चीज़ को चोट देना, ठीक है, उसको गिराने की कोशिश करना. next unfortunate बदकिस्मती से, thumped mean टकराना. जी अब क्या हुआ, अब इसने जो लैरी था उसने जब देखा कि बिच्छू है, उसने एक चीख भरी, ऊंची आवाज़ में चीख मारी, जिस चीख को सुनकर जो उसका जेरल्ड का पेट था रॉजर जो है वो भौंकता हुआ टेबल के नीचे से बाहर निकल आया. फिर उसने क्या किया कि हाथ से उस बिच्छू को टेबल पर फेंकने की कोशिश की, ठीक है. फिर बिच्छू जो है वो जब उसने फेंक दिया, बिच्छू जो मार्गो और लेस्ली के दरमियान में जा रुकी, वहाँ पर जा गिरी और टेबल का जो टेबल क्लॉथ था उससे बिच्छू टकराया. और उस टकराने के बाद जो उसके बेबीज थे, बेबी स्कॉर्पियंस थे, वो क्या स्कैटरिंग में बिखर जाना, यानी वो उसके जो बेबीज थे वो ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे कागज़ जो हैं वो बिखर रहे हैं, इस तरीके से वो टेबल पर बिखर गई. यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर वो सारे बिखर चुके हैं, दे आर स्कैटर्ड. एंड विद दैट देयर वॉज अ रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू केओस थॉरली इनरेंज्ड. At this treatment, the creature sped towards Leslie, her sting quivering with emotion. Leslie leapt to his feet, overturning his chair and flicked out desperately with his napkin, sending the scorpion rolling across the cloth towards the Margot, who promptly let out a scream that any railway engine would have been proud to produce. So, अब स्कॉर्पियन बार बार उसको जो है उन्होंने गिराने की कोशिश की, मारने की कोशिश की. अब वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया. इसी गुस्से में जब वो आया तो वो फिर लेस्ली की तरफ भागा, ठीक है. जो स्कॉर्पियन थी वो लेस्ली की तरफ भाग गई. अब उसका जो स्टिंग था, डंग था, वो अभी भी तैयार था, वो किसी को भी जो है वो काट सकती थी. और वो उसने जो काटती भी तो जस्ट टू सर्वाइव. ओके, लेस्ली जब वो लेस्ली की तरफ आई, लेस्ली ने क्या किया, उछल, लेफ्ट मीन उछलना, ओवरटर्निंग उलट जाना, यानी जब वो लेस्ली उछला तो उसकी जो कुर्सी है, चेयर जो है वो उल्टा हो गई. And flicked out desperately with his napkin. और फिर उसने क्या किया, अपने नैपकिन से उसको मारने की कोशिश की. और बिच्छू फिर क्या किया, बिच्छू उलटता हुआ, कलाबाजियाँ खता हुआ मार्को की तरफ चला गया, जिसने फौरन ही एक ऐसी चीख मारी, मार्को ने एक ऐसी चीख मारी कि वो अगर कोई रेलवे इंजन जो है, उस यहाँ पर जो राइटर है वो इसकी स्क्रीम को रेलवे इंजन के साथ कर रहा है, कंपेयर कर रहे हैं कि वो इस कदर ऊंची थी कि जैसे किसी रेलवे इंजन ने से रिलीज़ हुई हो, ठीक है, हारिज हुई हो.
look out, they're coming, screamed Margo. Margo ने कहा, देखो देखो वो हमारी तरफ आ रहा है. All we need is a book, roared Leslie. Don't panic, hit them with a book. हमें बस एक किताब चाहिए, लेस्ली ऊंची आवाज़ में बोला, घबराओ मत, इन्हें किताब से मार दो. मदर कम्प्लीटली बिवल्टर्ड मीन जो है चकराया होना, ठीक है. बाय दिस सडन एंड रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू क्योर्स पुट ऑन हर ग्लासेस एंड पीयर डाउन द टेबल टू सी व्हाट वाज कॉजिंग द पैंडेमोनियम मतलब गड़बड़. And at that moment, Margo, in a vain attempt to stop the scorpion's advance, hurled a glass of water at it. The shower of water missed the animal completely, but successfully drenched Mother, who, not being able to stand cold water, promptly lost her breath and sat gasping at the end of the table, unable to protest even. Protest का मतलब है कि मज़ीद जो है वो एहतजाज करना, ठीक है. Next, जी अब हमने क्या देखा कि उन्होंने उसको बुक से मारने की कोशिश की, और जो मदर उनकी माँ थी जेरल्ड की मदर, वो अभी तक चकराई हुई थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया कि अचानक अमन से एकदम से शोर शराबा शुरू हो गया. उन्होंने जल्दी से अपनी ग्लासेस ली, वो ग्लासेस लगाई और टेबल के नीचे देखा कि क्या हो रहा है, ठीक है, ये गड़बड़ किस वजह से हो रही है. फिर उसी वक्त मार्गो ने क्या किया, मार्गो ने स्कॉर्पियन को मारने के लिए पानी उस पर जो है एक ग्लास में पानी डालकर उस पर पानी गिरा दिया, ठीक है. अब जो उसके बेबीज थे वो तो बच गए, लेकिन जो मदर स्कॉर्पियन थी वो जो है उसको सांस में मसला हो गया, यानी अब वो ठंडा पानी था तो वो उसको बर्दाश्त ना कर सकी, ठीक है, उसको बर्दाश्त ना कर सकी और फौरन सांस खो बैठी और एकदम से हांफने लगी, ठीक है. अब वो उसमें इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो मज़ीद जो है भागने की कोशिश कर सके. अब वो टेबल की एक साइड पर बैठ गई. गेट अ नाइफ, हिट देम विद अ बुक, शाउटेड लैरी, दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस. लुक एट द टेबल, नी डीप इन स्कॉर्पियंस, किल देम. जी अब जो लैरी है वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है, ठीक है, वो कहते हैं चाकू लाओ या इन्हें किताब से मारो, ये लड़का तो हम सबको मार डालेगा, मेज़ को देखो बिच्छू से भरी पड़ी है, मारो इन्हें. नी डीप मीन्स भरी होना, भरा हुआ. ओह नो डोंट हर्ट देम, आई विल कैच देम, आई प्लीडेड अनटिल इवेंचुअली बैक्ड अप बाय Mother Leslie's suggestion that the whole lot be killed was quashed. जी यहाँ पर अब क्या हो गया, quashed mean रोकना चाहा. जब तक नहीं इन्हें नुकसान मत पहुँचाओ. अब जो है जेरल्ड जो है वो कहता है कि नहीं इन्हें नुकसान मत पहुँचाओ, मैं इन्हें उठा लेता हूँ. Pleaded mean मतलब इनको आप कह सकते हैं गिड़गिड़ाना, ठीक है, किसी के सामने के गिड़गिड़ाना. कहते हैं मैं गिड़गिड़ाया जब तक जेरल्ड की जो मदर हैं उन्होंने उनको बिच्छू को मारने से मना किया, ठीक है, उनको उन्होंने जब तक मना ना किया तब तक मैं गिड़गिड़ाता रहा. फिर उनकी मदर ने उनको मना कर दिया कि इनको मत मारो. By the time a certain amount of order had been restored, all the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bites of cutlery. The results of this incident were numerous. While the family, still feeling angry and frightened, moved to the sitting room, I spent half an hour rounding up the babies, picking them up in
a teaspoon and returning them to their mother's back. Then I carried them outside on a saucer and reluctantly released them on the garden wall. Roger and I went and spent the afternoon on the hillside, for I felt it would be wise to allow the family to have a break before seeing them again. जी, अब क्या होगा, जब तक थोड़ी थोड़ा बहुत जो है, यानी अब ये शोर शराबा थोड़ा बहुत ख़त्म हुआ, सारा सब थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ सब कुछ, तो उसने क्या किया, तमाम जो बेबी स्कॉर्पियंस थे, बिच्छू के जो बच्चे थे, वो मुख्तलिफ प्लेटों और जो कटलरी, कटलरी मीन्स जो ये हैं फोक्स, स्पूंस यानी छुरी कांटे वगैरह जो हैं, उनके नीचे उन्होंने खुद को छुपा लिया हुआ था, वो छुप चुके थे. अब इस इंसिडेंट के, इस वाक्य के बहुत सारे रिजल्ट्स निकले. अब भी गुस्से और खौफ के जो शिकार घर वाले थे, नहीं उन्हें अभी भी गुस्सा भी था और खौफ भी था, डर भी था, इसलिए वो फिर अपने दूसरे रूम में चले गए. जबकि जैरल्ड जो है, जैरल्ड कहता है मैंने आधे घंटे तक बच्चों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करता रहा, इन्हें चाय के एक चम्मच में उठाते हुए उसने उनको स्पून में रख कर उठाया और वापस इनकी माँ की कमर पर रख दिया, फीमेल स्कॉर्पियन की बैक पर रख दिया. फिर मैं उन्हें एक प्लेट में, सॉसर मीन प्लेट, डालकर बाहर ले गया और नहायत ही हिचकिचाहट, मतलब हेजिटेशन के साथ उन्हें बाग की दीवार पर छोड़ दिया. रॉजर और मैंने दिन जो है, वो कहते हैं रॉजर जो उसका पेट डॉग था, हम दोनों ने जो दिन था वो किधर गुजारा, पहाड़ी पर, हिल साइड मीन पहाड़ी पर गुजारा. क्यों गुजारा? क्योंकि मुझे लगा कि घर वालों की शक्ल दोबारा देखने से पहले इन्हें एक ब्रेक देना, यानी जब तक मामला सेट ना हो जाए, यानी घर वालों का गुस्सा ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम दिन जो है वो यहीं गुजार लेंगे. लैरी डेवलप्ड अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्सेस, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू द वर्स्ट रेपरक्यूशन ऑफ द होल अफेयर वॉज दैट मदर डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल वर्ल्ड. जी, लैरी को इस वाक्य के बाद क्या हुआ, लैरी को माचिस की डिब्बियों से, जब भी वो किसी भी माचिस की डिब्बी को देखता है उसको डर लग जाता है कहीं इसी के अंदर ही स्कॉर्पियन ना हो. लेकिन जो जैरल्ड है वो कहता है कि मेरे लिए जो सबसे बुरा नतीजा था वो ये निकला कि जो उनकी वालदा थी, जैरल्ड की जो मदर थी, उन्होंने जैरल्ड को अब एनिमल्स के बारे में पढ़ने से रोक दिया. ठीक है, You are running wild again. It is high time you received a little more education. She said, I am getting you a tutor. जी, अब उन्होंने डिसीजन क्या लिया कि तुम बेकाबू हो गए हो, हद से बढ़ गए हो, तो अब तुम्हें चाहिए कि तुम थोड़ी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो. उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब तुम्हारे लिए एक ट्यूटर जो है वो ट्यूटर का बंदोबस्त कर दूँगी. सो दिस इज़ द रीडिंग ऑफ दिस यूनिट. We have completed it. So students, आपने words meaning जो हैं वो आपको जो notes provide होंगे वहाँ से आपने meanings लिखने हैं. You will have to write meanings of first 10 words from your notes. Okay? First 10 words के जो words meaning है वो आपने अपने notes से कर लेने हैं. First 10 words will be bulbous, bulging, confetti, dawdling, enraptured, infinite, intricate, oblivious, phobia, predator. Predator तक आपने words meaning जो है वो अपनी notes से prepare कर लेने हैं. Okay students, take care and Allah Hafiz.